गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम रीजनिंग का टॉपिक कर रहे थे, अल्फाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण, जिसका लेसन फर्स्ट अपनों ने कर लिया था, जिसमें फर्स्ट और सेकंड टाइप अपनों ने समझे थे, जिसमें जो सेकंड टाइप था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वहाँ से प्रश्न आते हैं। कुछ और टाइप इसके हैं वो आज हम सीखेंगे। चलिए टाइप नंबर थर्ड हम सीखते हैं अल्फाबेट टेस्ट के अंदर, ठीक है। टाइप थर्ड, ठीक है, यानी टाइप थर्ड के अंदर क्या आएगा, आपको एक शब्द दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आपको एक शब्द दिया जाएगा और उस शब्द को देकर ये पूछा जाएगा कि इस शब्द को या इस अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में आप अधिक से अधिक कितनी बार लिख सकते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए प्रश्न लिखता हूं, फिर समझ में आपको ज्यादा आएगा। यानी अगर प्रश्न लू मैं कि मान लीजिए एक ले लिया एप्पल ले, ठीक है, एप्पल शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्ण, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में अधिक से अधिक अधिक से अधिक कितनी बार लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है, यह प्रश्न आपको मिलेगा। सेम ही लैंग्वेज आपको मिलने वाली, सिर्फ एप्पल की जगह कोई और अक्षर आ जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकते हैं। अब इसे करना कैसे है, बड़ा इजी है, देखिए समझिए। यानी हम किसी सूत्र के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, आपको मैं यहां लिखता हूं एप्पल, APPL और E, ठीक है। पहले तो गिनना है कितने इसके अंदर अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5, कितने, 5, ठीक है। मैथमेटिकल एक सिंबल होता है, इस तरह से आपने समझ जानते होंगे, ये या ये, इन दोनों को बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। यानी ये फैक्टोरियल के सिंबल होते हैं, तो फैक्टोरियल को आपको सोल्व करना आता होगा। अगर नहीं आता तो मैं आपको समझा देता हूं। अगर फैक्टोरियल में कोई संख्या जैसे इस तरह से लिखी हुई है, या कोमा करके इसको फोर लगा के इसके आगे ये लिख दी, इसका मतलब होता है इसको सोल्व करेंगे ना तो हम उल्टे चलेंगे, यानी विपरीत घटते क्रम में चलेंगे। 4 के बाद में क्या आता है, 3, उसके बाद क्या आता है, 2, उसके बाद क्या आता है, 1, और इनको मल्टीपल में लिखेंगे सबको। क्या लिखें? एक दूसरे के मल्टीपल में लिखेंगे, उसके बाद 0 नहीं लिखेंगे। क्यों? अगर मैंने 0 लिख दिया और मल्टीपल में 0 आ गया तो आप जानते हो सारी वैल्यू क्या हो जानी, 0 हो जानी, इसलिए 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक तक लिखेंगे। अगर फैक्टोरियल 5 होता तो क्या लिखते, घटते क्रम में 5 को लेना लेना, इसके बाद में क्या आएगा, घटते क्रम में 4 3 2 1, एक तक जाना है, सभी का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई 8 आ गया तो उसको भी इस तरह से 8 7 6 5 4 3 और 2, इस तरह से आपको लिखना है। ये होता है फैक्टोरियल सिंबल के अंदर कोई संख्या आती है उसको सॉल्व करना। समझ में आ गया? अब इन सबको मल्टीपल कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, करना क्या है आपको इसके अंदर कि इसमें अल्फाबेट है वो 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। तो आप सबसे पहले फैक्टोरियल लगा के क्या लिख दोगे उसके अंदर, 5, जितने भी अल्फाबेट अक्षर में आपको मिले उतने आप गिन लो, उसको फैक्टोरियल में बंद कर दीजिए। और अपॉन में आपको लिखना है यहां पर क्या कि कोई भी अल्फाबेट 2 बार आया है या 3 बार आया है या 4 बार आया है। यहां आप देखोगे पी एक ऐसा अल्फाबेट है जो 2 बार आया है, कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसको फैक्टोरियल 2 के अंदर बंद कर देंगे। जो डबल बार आता है, जो ट्रिपल बार आता है, जो और जितनी बार आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे, फैक्टोरियल में जितनी बार आया उतना लिख देंगे। 2 बार आता 2 लिख दिया, 3 बार आता 3 कर देते, 4 आता तो 4 कर देते, ठीक है। यहां पी है वो 2 बार आया, और कोई अल्फाबेट ऐसा नहीं है यहां पर जिसकी आवृत्ति हो रही है, सिर्फ पी है वो 2 बार आया, तो अपॉन में हम ये लिखें। जो डबल बार आएगा ट्रिपल बार आएगा उसको अपॉन में लिखना है, ठीक, और सिंगल जितने अल्फाबेट है उनको ऊपर लिखेंगे। अब आपको पता है इसको सोल्व करना है, फैक्टोरियल 5 को सोल्व करेंगे तो इस तरह आप कर सकते हो, 5 घटते क्रम में लिखो 4 3 2 1, यानी अल्फाबेट सॉरी अल्फाबेट का डिजिट को घटते क्रम में लिखेंगे और मल्टीपल करते रहेंगे। अपॉन में इसको भी सेम प्रोसेस रहेगी, 2 के बाद क्या आएगा, 1, 0 तक हमें नहीं जाना है। अब आप देखते हो
एक से एक, दो से दो, सारा मल्टीपल हो गया, सॉरी कैंसिल आउट हो गया। तो अब इनको मल्टीपल, पांच चौके बीस, बीस तीन कितने हो गए साठ, यानी साठ, तो ये आंसर आ गया साठ बार। यानी एप्पल शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में अधिक से अधिक हम साठ बार लिख सकते हैं। समझ में आया आपके? ये था, इसके जगह कोई भी शब्द आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था करने का तरीका, फैक्टोरियल कैसे करते हैं। चलिए मैं और एग्जांपल लेता हूं इसी के और फिर समझते हैं। यहां पर एप्पल की जगह मैं कुछ और ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया ये, ले लिया रीड, ठीक है। कोई भी वर्ड आपसे ले सकता है। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला में तो सेम प्रोसेस रहेगी, आप देख पा रहे हो कि रीड, ठीक है। यहां पर आप देखोगे कोई भी अल्फाबेट आवर्ती नहीं हो रही, कोई बात नहीं, नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कितने, वन टू थ्री फोर, तो फैक्टोरियल लगा के क्या लिखेंगे, फोर। और अपॉन में मैंने बताया था लिखना, जो आवर्ती नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कुछ लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सिर्फ मैं ये लिख सकता हूँ फैक्टोरियल एक, और फैक्टोरियल एक का मान एक ही होता है। क्या होता है, एक का मान एक ही होगा। इसे लिखने से कोई फायदा नहीं है, जब तक कोई आवर्ती नहीं होती किसी अल्फाबेट की तब तक अपॉन में कुछ नहीं लिखेंगे। अब खाली फोर को ही हम ओपन करेंगे यहाँ पर, तो चार तीन दो एक, तो चार तीन बारह, बारह दो चौबीस, तो चौबीस बार हम इसको लिख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में रीड शब्द को या रीड अक्षर। समझ में आया आपको, ठीक है। एक और आपके सामने मैं लेता हूं एग्जांपल, मान लीजिए मेरे को यहां पर मिल गया रामलाल, कोई शब्द मिल गया इस तरह, मिल गया रामलाल, राम और पूरा एक शब्द मिला। अब इसके अंदर आपको ये अंग्रेजी वर्णमाला में इसको आप अधिक से अधिक कितनी बार लिख सकते हो। तो कहने का मतलब सबसे पहला काम ये, गिनो इनको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने सिक्स, तो फैक्टोरियल में सिक्स को हम बंद कर देंगे, अपॉन में लिखेंगे। अब की बार एल दो बार आ रहा है और ये ए है वो दो बार आ रहा है, जो डबल बार आएगा जो ट्रिपल बार आएगा उसी को लिखना है अपॉन में। तो सबसे पहले ए आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो फैक्टोरियल में बंद कर देंगे दो, ठीक है। अब एल भी दो बार आ रहा है तो इसको भी फैक्टोरियल हम आगे लगा दें, एक साथ नहीं लिखेंगे चार, ठीक है। इन दोनों के बीच मल्टीपल का सिंबल हम लगाएंगे, किसका लगाएंगे, मल्टीपल का, प्लस नहीं है ये मल्टीपल है, ठीक है। और इसी तरह का और कोई आता तो मल्टीपल करके लगा देते, और आता तो मल्टीपल करके हम लगा देते। अब सेम प्रोसेस, इस फैक्टोरियल छह को हम ओपन करेंगे तो छह इंटू में पांच इंटू में चार इंटू तीन इंटू टू इंटू वन, इसी तरीके से टू इंटू में वन और टू इंटू वन। अब आपको पता है सारा कैंसिल आउट, दो दुए चार, फिर चार से चार चला गया। अब आप देख पा रहे हो इसको मल्टीपल कर लीजिएगा, ठीक है, कितना हो गया, छह पांच तीस, ठीक है, तीस ती कितने हो गए, नब्बे, नब्बे दो एक सौ अस्सी, तो 180 बार हम क्या कर सकते हैं, इस रामलाल शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में लिख सकते हैं। आई होप आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरह अंग्रेजी वर्णमाला में कितने तरह के इनको लिख सकते हैं। तो और भी कुछ आएगा तो सेम यही प्रोसेस रहेगी, सिर्फ ध्यान यही रखना आपको, ऊपर जो लिखेंगे जो कंप्लीट जितने अल्फाबेट है उनका फैक्टोरियल लगा देने, और अपॉन में उन्हीं को लिखना जितनी बार आया, और मल्टीपल में होगा सारा कुछ। चलिए नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है उसके अंदर आपको एक प्रश्न के अंदर वर्णों के बीच में अक्षरों की संख्या पूछ सकता है, और वर्णों के बीच बीच वाला वर्ण आपसे पूछ सकता है, प्रश्न से ज्यादा आपको समझ में आएगा। यानी इसमें ना दोनों ही टाइप के क्वेश्चन ले लिए, नंबर फोर जो टाइप अपना उसमें इस तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई तथा आर के बीच कितने अक्षर है, ठीक है। सेकंड प्रश्न आप देखिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में एच व टी के बीच कौन सा वर्ण आ गया, यानी इनके बीच कितने अक्षर हैं और इनमें बीच वाला अक्षर कौन सा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया। अब इन प्रश्नों को हल करने के तरीके अलग अलग हैं। एक तरीका है जो स्टूडेंट लगभग करते हैं, जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे वो क्या करें, ए बी सी डी लिख लेंगे, अल्फाबेट पूरा लिखेंगे, फिर गिनना स्टार्ट कर देंगे, एच ये है, यहां से टी है, फिर बीच में कितने, ऐसा कभी ना करें।
एक तो लिखने में टाइम वेस्ट होगा आपका और सटीक आंसर आपको नहीं पता लगेगा कि यही है, गिनने में कहीं ना कहीं गलती आपसे हो जाएगी, तो ऐसा ना करें। सिंपल सी बात है, जब आपको दो वर्ण दिए हों और उनके बीच में अक्षरों की संख्या पूछे, प्रश्न की पहचान समझना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पर अक्षर कितने हैं ये पूछे गए, यहाँ बीच वाला वर्ण कौन सा है ये पूछे गए, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ठीक, यानी दो वर्णों के बीच में अक्षर कितने हैं, दो वर्णों के बीच में बीच वाला कौन सा वर्ण है ठीक। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको इन दोनों का घटाओ, यानी इन दोनों की जो स्थिति होगी, जो नंबर होगा उन दोनों का घटाओ और माइनस एक और करना है। सिंपल सी बात है कि दोनों का घटाओ कर देना है और माइनस में एक करोगे, यानी कहने का मतलब ई और आर की स्थिति का मतलब ई कितने नंबर पे है और आर कितने नंबर पे आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था ज्योतिष से आप पता लगा सकते हो, ये आपको याद होनी चाहिए हमेशा ही, ये 5, 10, 15, 20 और 25 ये आपको पता होने चाहिए। ई का पता करना कितना आ गया 5 और आर कितना है नहीं पता, तो आप देख लीजिए किस आर कहां पे आएगा, टी से पहले आता है ओ के बाद में आता है ठीक है, तो ओ के बाद क्या आता है ओ पी क्यू आर, यानी आर कितने नंबर पे 16, 17, 18 नंबर पे आएगा, दोनों का घटाव करना, कहने का मतलब 18 माइनस में कितना करोगे आप भाई 5 ठीक है, और उसके बाद में एक और आप करोगे, यानी टोटल कितने हो गए 6 हो गए, तो आपका जो आंसर निकल गया वो आ गया 12, यानी इन दोनों के बीच में 12 अक्षर आएंगे, समझ में आया। अब ऐसी कंडीशन में इनमें भी आपको ध्यान रखना है इनकी स्थिति, ये कौन से नंबर पे है ये कौन से नंबर पे, इनकी भी स्थिति आपको याद रखनी है, नहीं पता इजोटे से आप पता लगा सकते हो बिल्कुल सटीक तरीके से, आप जानते हो 5 नंबर पे तो ई आता है, उसके बाद में आप जानते हो ई के बाद एफ जी एच 3 ऐड कर दीजिए तो 8 नंबर पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, टी आपको दिया हुआ है 20 नंबर पे, ऐसी कंडीशन में इनको जब सोल्व करने का तरीका है तो इन दोनों का प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना हो गया 28 और 2 यानी 14, यानी नंबर आ गया 14 और 14 नंबर पे कौन सा अंक आता है आप देख लीजिए, पहले O पर 15 है तो इससे एक कौन आएगा भी M N O यानी N आएगा, तो बीच वाला इनके बीच में जो अक्षर आएगा वो आएगा N। इस तरह से आप इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है अल्फाबेट टेस्ट, यहां से प्रश्न 1-2 पक्के आते हैं, तो ज्यादा इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है, अल्फाबेटिक लिखकर उनको गिनने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, सिर्फ समझना है अक्षरों की संख्या आपसे पूछे, बीच वाला वर्ण पूछे, दोनों में करने का जो तरीका है वो अलग अलग है और बिल्कुल 2 सेकंड में आप आंसर निकाल पाओगे, बशर्ते आपको जो रूलिंग मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, तो इनमें ऐड किया 2 से डिवाइड कर दिया मैंने और जो आंसर आया वो नंबर आया उस नंबर पे देख लिए मैंने इजोटी से, आप देख पाते हो अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो इस इजोटी से आप बिल्कुल पता कर सकते हैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप समझते हैं, नेक्स्ट टाइप 5 नंबर हम देखते हैं, तो प्रश्नों से ही इस टाइप को हम समझेंगे कि इसके अंदर आपको एक शब्द दिया होगा तो आपसे पूछेगा कि इनका क्रम चेंज कर दीजिए, यानी अक्षरों को क्रम में बदल कर लिख देते हैं, इनका क्रम बदल देते हैं, तो कितने अक्षर अपने स्थिति से अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कितने शब्द बताने हैं वो अपने स्थिति से हिल नहीं रहेंगे, वहीं के वहीं हैं, क्रम बदलना। जैसे रमेश का हम करते हैं तो रमेश को उल्टा लिखेंगे भी क्रम बदलेंगे, तो रमेश पहले क्या था रमेश, ये था रमेश ठीक है, अगर इसका क्रम बदलते तो एच से स्टार्ट हो जाएगा, एच से फिर एच एस ई और फिर क्या जाएगा एम ए, यानी उल्टा उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब इसका क्रम देख लीजिए, एच चेंज हो गया, एस चेंज हो गया, ई यहां से चेंज हो रहा है क्योंकि ई 4 नंबर पे आ रहा है और एम यहां पर चेंज हो गया, ए भी चेंज हो रहा है और आर, यानी सारे के सारे चेंज हो रहे हैं, तो इसमें ऐसा कोई भी अक्षर अपनी स्थिति से अपरिवर्तित नहीं है, सारे के सारे चेंज हो चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, यानी कोई भी शब्द वही नहीं आया ठीक। अगर आप इसमें देखें एक शब्द मैंने और लिया है शर्ट, अगर इसमें अगर मैं चेंज करूं तो उल्टा लिखता हूं टी आर आई एच और एस, लेकिन आपने देखा कि ये 2 शब्द और ये 2 शब्द अपनी स्थिति चेंज कर रहे हैं, लेकिन आई पहले भी वही था
और अब भी वहीं पर है, यानी यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा आई, और इसमें आपका आंसर होगा कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि सिर्फ आपको प्रश्न को देखो, रीजनिंग के अंदर अगर मार्किंग आपको अच्छी करनी है तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, पूछ क्या रहा है, आप निकाल क्या रहे हो, इसी पे डिपेंड करेगा। जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ने के चक्कर में हम साइकोलॉजी बेस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आपकी मेंटेलिटी चेक करेगा एग्जामिनर कि वाकई में इसे अध्ययन किया है या ऐसे ही कोई पढ़ के आया है गाइड से। तो प्रश्न मेंटली क्वेश्चंस आएंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा प्रश्न के अंदर, ध्यान से पढ़ना उसमें, पूछ क्या रहा है, प्रश्नों के अंदर ही उत्तर होंगे, उनको बस आपको देखना है। तो ये था अल्फाबेट टेस्ट के बारे में, और बहुत से टाइप हम इसमें ऐड कर सकते हैं वो, लेकिन हम अदर टॉपिक में करेंगे वो। तो मोस्टली यहाँ से प्रश्न आपका बन के आ जाएगा, अदर कोई टाइप इसके बचे नहीं है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और आज आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही है, आज से स्पेशल साइंस के लिए हम टीचर लेके आए हैं आपके लिए, और उनकी क्लास लीजिएगा आज आई, और देखिएगा और हमें सजेशन दीजिएगा क्या कुछ आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक करवाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।